मैग्नेट को इसके पास लाता हूँ, देख लीजिए, देख लीजिए एलईडी जल रही है। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीड स्विच के बारे में। रीड स्विच किस तरीके से काम करता है और इसकी पिनें क्या क्या है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके की फ्री रोबोटिक्स की वीडियो सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रीड स्विच क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी पिनें किस तरीके से होती है और इससे कौन कौन से प्रोजेक्ट बन सकते हैं और इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रीड स्विच का बता देता हूँ। तो जब भी रीड स्विच हमारा कुछ इस तरीके का मॉड्यूल होता है, तो जो इसके आगे ही कांच की जो आप देख रहे हैं, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये कांच की ट्यूब लगी हुई है। इसके अंदर दो टल की दो इसमें पत्तियाँ हैं। तो जब भी इनके पास कोई भी मैग्नेट आती है तो ये हमें एक आउटपुट देता है। तो इसके पास जब भी मैग्नेट आएगी तो ये हमें आउटपुट देगा, तो इस काम में ये हमारे आता है। तो अब हमें इससे क्या फ़ायदा, तो हम कभी भी मान लो मैग्नेटिक डोर लॉक बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कीलेस हमारा मतलब डायरेक्ट हम टच करें किसी चीज़ पे और हमारा लॉक खुल जाए, तो उस चीज़ के हम काम में ले सकते हैं। या फिर हमें लाइट वगैरह जलानी हो तो केवल हम क्या करेंगे, एक हमारे पास चाबी रहेगी उसके अंदर मैग्नेट होगी और उसको जैसे इस पर रख देंगे तो हमारा लट्टू जलने लग जाएगा, और जैसे इसे हटा देंगे तो लट्टू हमारा ऑफ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जानेंगे इसको किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम इसकी पिन डिटेल देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ। तो इसमें चार पिनें हैं। तो फर्स्ट पिन जो है आपकी D0 की पिन है। तो D0 का मतलब ये है डिजिटल आउटपुट, या तो आपको ऑफ कंडीशन मिलेगी या ऑन कंडीशन मिलेगी। मतलब जब भी आप इस पर बैटरी कनेक्ट करोगे तो यहाँ जब मैग्नेट लगाओगे आप तो यहाँ पर आपको एक आउटपुट मिलेगा, कुछ वोल्ट मिलेंगे, और जब मैग्नेट हटा लोगे तो यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा। तो जो ये हमें आउटपुट मिल रहा है इसे हम डिजिटल आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम बल्ब वगैरह जला सकते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पर हम बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, और जो अगला पॉइंट है हमारा वो है ग्राउंड पॉइंट, यहाँ पर हम बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। और जो अगला है वो है A0। A0 का मतलब है हमारा एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट हमें आर्डिनो में यदि इसे कनेक्ट करना है तो आर्डिनो कितना सेंसिटिविटी, कितना दूर मैग्नेट है, तो वो सारा कुछ इससे डिसाइड होता है। तो ये हम सीरियल मॉनिटर में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम डिजिटल आउटपुट पे बात करेंगे, इसके डिजिटल आउटपुट किस तरीके से काम करता है। तो अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो अभी हमने जान लिया है कि इसकी पिनें कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। फिर हम इसके आगे देखते हैं। तो आगे आप देख रहे हैं इसका एक रीड स्विच लगा हुआ है, मतलब इसे इसके अंदर जो ये ट्यूब है ये इसके साथ कनेक्टेड है, इस मॉड्यूल के साथ। और ये मॉड्यूल एक हमारी प्रीसेट और एक आईसी के साथ कनेक्ट है जो इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अब हम इसे कनेक्ट करेंगे और इसका देखेंगे एक्सपेरिमेंट। चलिए कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो अभी मैंने इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी आप देख, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि इसमें लिथियम आयन बैटरी कनेक्ट कर दी है 4 वोल्ट की, 3.7 वोल्ट की। तो इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। आप 5 वोल्ट से ऊपर दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी इसमें हमने क्या हुआ, ग्राउंड पॉइंट पे बैटरी का ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है, और पॉजिटिव पॉइंट पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है, और एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे D0 पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है, और एलईडी के नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब मैं जैसे इसकी देखिए, अब मैं एक ये पेचकस ले लेता हूँ, इस पर हम ये मैग्नेट ले लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जब भी मैं इस मैग्नेट को इसके पास लाता हूँ, देख लीजिए एलईडी जल रही है, और सेंसर की जो ये लाइट है ये भी ग्लो कर रही है हमारी। ये वाली जो लाइट देख रहे हैं आप, ये वाली लाइट भी ग्लो कर रही है कि सेंसर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लीजिए। जब भी मैं इसके पास ला रहा हूँ मैग्नेट को तो ये काम कर रहा है हमारा। भी मैग्नेट इसके पास आ रहा है तो इसकी प्लेटें अंदर से इस मैग्नेट की ओर आकर्षित हो रही है और ये स्विचिंग कर रहा है। ये हमारा रीड स्विच हो गया। तो जब भी हमें पासवर्ड लॉक सिस्टम बनाना होगा तो हम रीड स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो रीड स्विच का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रीड स्विच में क्या है, इसको निकाल देते हैं, एक मिनट में बैटरी का तार हटा देता हूँ। तो रीड स्विच में आपने देखा ये जो हमारी प्लेट है, ये कुछ ये वाली प्लेट है, और जो इसके
पिन आउट है वो कुछ इस तरीके से, चार पिन आउट है इसके अंदर, D0 प्लस ग्राउंड और A0। A0 में आपका एनालॉग आउटपुट आएगा, ये आपका आर्डिनो के साथ जाएगा। और D0 यदि आप आर्डिनो का यूज़ नहीं कर रहे हो तो D0 आपका डिजिटल आउटपुट देगा, जिससे आप आउटपुट ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको LED में बताया था। पॉजिटिव और नेगेटिव आप यहाँ कनेक्ट करोगे, नेगेटिव यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आपका यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो रीड स्विच के हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे नए, तो अभी हमने इस मॉड्यूल के बारे में जाना, तो आगे हम इस मॉड्यूल का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ समझ चुके हैं, आगे हम इसे डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।